जैन फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूथ गुरुकुल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिकंदर महान से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो इस वीडियो में जो है हम मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ेंगे और लास्ट में वीडियो के एंड में हम एक छोटा सा टेस्ट भी लगाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जानते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए, मौर्य साम्राज्य मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ओके, तो जैसे कि हम किसी भी वंश को पढ़ेंगे, सबसे पहले हम यही जानना है, जिस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो बहुत बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि ये ईसा वाले क्वेश्चन जो है ये जनरली एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक अंदाजा रहे इसलिए हमें इससे गुजरना है। ओके, तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करने के पश्चात मौर्य वंश की स्थापना की थी। देखिए, जैसे ये जो एक साम्राज्य का जो एक सीरियल होता है, इसमें जो है नंद वंश पहले आता है और उसके बाद मौर्य वंश आता है। ओके, तो देखिए, नंद वंश के जो संस्थापक थे वो थे महापद्मनंद। कौन थे? महापद्मनंद। और लेकिन जो घनानंद थे, ये जो थे ये पद्म नंद वंश के आखिरी शासक रहे हैं, और इसके बाद जो है मौर्य वंश की जो शुरुआत हो जाती है। ओके, तो घनानंद को पराजित करने के पश्चात जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए, घनानंद को हराने के लिए चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त की मदद की थी। ओके, तो देखिए, ये जो है ये चाणक्य किसके गुरु थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। देखिए, चाणक्य जो है इनका एक ही स्वप्न था, वो था अखंड भारत का। तो अखंड भारत उनका एक जो सपना था कि हमारा जो भारत जगह जगह से बिखर रहा है, जो बाहरी शक्तियां हम पे जो कब्जा कर रही हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही प्रस्ताव लेके ये घनानंद के पास गए थे। लेकिन घनानंद ने इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया था और इनको भगा दिया था, क्योंकि घनानंद जो था ये विलासिता मग्न था, ये विलासिता में ही रहता था। तो इसीलिए इनका एक सपना था कि हमारा भारत जो एक अखंड भारत बन के रहे, और घनानंद जो था उसके लिए एक उचित राजा नहीं था। तो इनका एक सपना था कि हमें एक ऐसा राज्य बनाऊं जिससे हमारा जो भारत है वो थोड़ा संभल के रहे, ताकि बाहरी शक्तियां हम पर आक्रमण ना कर सके। तो इन्होंने जो है चंद्रगुप्त की मदद की थी, और चंद्रगुप्त ने ही चाणक्य की मदद से घनानंद को हराया था। और देखिए, ये जो आपको दो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, तो ये जो है ये चाणक्य के ही नाम है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य का कौन सा नाम है एक्स्ट्रा, तो देखिए, एक तो कौटिल्य है और एक विष्णुगुप्त है, तो ये दोनों भी आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, जानते हैं, चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। देखिए, मगध की राजगद्दी पर इससे पूर्व कौन बैठे थे? तो वो बैठे थे घनानंद, और घनानंद को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त जो है 322 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ओके, चलिए, चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। देखिए, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप वो समझ में आ रहा होगा, सेल्यूकस निकेटर कौन था? जी हाँ, बिल्कुल आप सही रिकॉल कर पा रहे हैं, ये जो था सिकंदर का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति। ओके, तो देखिए, जल सेनापति कौन था सिकंदर का? वो था निर्याकस, लेकिन ये कौन है? सेल्यूकस निकेटर। तो जो सेल्यूकस निकेटर जो हमने वहाँ पढ़ा था कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है यहाँ से चला जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो सेल्यूकस निकेटर है वो यहीं पर रहा था। ओके, और इसने जो था यहाँ पर हमला किया था चंद्रगुप्त के ऊपर, लेकिन चंद्रगुप्त ने जो था 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। ओके, अब आगे जानते हैं, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त के साथ कर दी, और युद्ध की संधि की शर्तों के अनुसार चार प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। देखिए, ये जो युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था कि ये हार के निकट आ गए थे एकदम सेल्यूकस, तो इन्होंने जो थे बाद में हमें हाथ ऊंचे कर दिए थे, और उन्होंने कहा कि हम जो है सरेंडर कर रहे हैं, एक तरीके से हमारे बीच में ट्रीटी होगी, हमारे बीच में संधि होगी। तो उस संधि में इन्होंने अपनी पुत्री जो इनकी जो पुत्री थी कार्नेलिया, किसकी? सेल्यूकस निकेटर की, इनकी पुत्री कार्नेलिया की शादी इन्होंने चंद्रगुप्त के साथ कर दी थी, और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार उन्होंने बाकी सारे प्रांत तो चंद्रगुप्त को दे दिए थे, लेकिन इन्होंने खुद के लिए चार प्रांत रखे थे, वो थे काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये भी आप यहाँ से याद रख लीजिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ओके, देखिए, ये इनके ससुर जी लगते थे, तो और इन्होंने इतना कुछ किया था इनके लिए, तो इन्होंने भी गिफ्ट में इनको 500 हाथी जो थे उस जमाने में गिफ्ट कर दिए थे। ओके, तो ये जो थे ये प्लूटार्क के अनुसार ये एक आंकड़ा है जिसमें इन्होंने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए थे।
आगे चलते हैं। मेगस्थनीस, देखिए मेगस्थनीस का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, हम छठी से पढ़ते आ रहे हैं मेगस्थनीस के बारे में। तो देखिए मेगस्थनीस जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगस्थनीस किसके दरबार में आया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन वो किसका राजदूत था, तो वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो वो था सिकंदर का सेनापति। ओके, तो ये चीजें आप यहाँ से याद रखिएगा, आपको लास्ट में जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ओके, मेगास्थनीस द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है ये। देखिए इस पुस्तक का नाम भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कौन सी पुस्तक? इंडिका। तो इंडिका किसकी द्वारा लिखी थी पुस्तक? तो ये जो है ये मेगास्थनीस के द्वारा लिखी गई है। ओके, और इस पुस्तक में इन्होंने जो है वर्णन किया है, जब वो भारत आए थे यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या है, कैसे घर बने हुए हैं, वो सब इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एप्पियानस ने किया है। किसने किया है? तो एप्पियानस, ये जो एक दार्शनिक थे, इन्होंने जो है एप्पियानस नाम था इनका, और इन्होंने चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन किया है। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे और इनके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है जिसका संबंध राजनीति से है। देखिए मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि चाणक्य ने जो है थी चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी घनानंद को हराने में, और इन्होंने जो था इनको राजगद्दी पर बैठाया था, तो इसके बाद इनका भी कुछ कर्तव्य बनता है। तो उन्होंने जो था, ये जो चाणक्य थे ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने अपने दरबार में एक प्रधानमंत्री जो था वो चाणक्य को ही बनाया था। चाणक्य की के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो वो बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो वो जो है अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो वो है राजनीति से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। और देखिए ये जो चंद्रगुप्त है ये एकमात्र ऐसा राजा है जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। कौन सा? जैन धर्म अपना लिया था। तो ये जो था ये जैन धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। देखिए कौन से? जैनी गुरु भद्रबाहु। भद्रबाहु भी हमने बहुत बार, जैसे कि पिछली बार भी हमने जैन धर्म पढ़ा था उसमें भी पढ़ा था भद्रबाहु। तो जो भद्रबाहु थे इनसे, ये एक जैनी गुरु थे और इनसे जो थे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो वो भद्रबाहु से ली थी। ओके, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर बिताया। कहाँ पर बिताया था? कर्नाटक में है ये जगह, और कहाँ पे है, क्या नाम है इसका? श्रवण बेलगोला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास के दौरान हुई। देखिए जैसा कि हमने पहले पढ़ा, श्रवण बेलगोला कहाँ पर है? यह है कर्नाटक में। और ये जो था इन्होंने अपने अंतिम समय जब इनका आ गया था, जो अंतिम दिन थे वो श्रवण बेलगोला में ही बिताए थे, और इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी, और वो भी उपवास के दौरान हुई थी। कैसे हुई थी? उपवास के दौरान। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु पश्चात इनके पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठे। ओके, तो देखिए ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये जब ये एक्सपायर हो गए थे, इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। तो बिंदुसार जो थे इनके बाद इनकी गद्दी पर बैठे थे। ओके, चलिए अब लगाते हैं हम टेस्ट और देखते हैं कि हमारे जो वीडियो है ये हमारे लिए कितनी हेल्पफुल रही है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? देखिए तो अभी हम ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए हैं, कौन था? तो वो बिंदुसार था। ओके, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात जो है गद्दी पर बैठा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? देखिए अभी हमने पहले पढ़ा था कि चाणक्य, कौटिल्य का एक और नाम क्या है? चाणक्य। और एक और क्या है? विष्णुगुप्त। तो इनके द्वारा जो एक फेमस पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र। ओके, और इसका किससे संबंध है वो शायद हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है वो कौटिल्य ही दे दे, वो विष्णुगुप्त दे सकता है, कौटिल्य भी दे सकता है, चाणक्य भी दे सकता है। तो कौटिल्य द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वो है अर्थशास्त्र। अच्छा यहाँ पर आइए इंडिका। इंडिका किससे संबंधित है? तो वह मेगस्थनीस। किससे? मेगस्थनीस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए? अभी हमने पढ़ा उन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे, तो देखिए वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। कहाँ बिताए थे? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने अंतिम दिन बिताए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त, भट्टस्वामी, राजशेखर या विशाखदत्त? देखिए क्या नाम था उनका? अभी हमने पढ़ा था एक तो विष्णुगुप्त था, और एक और कौन सा था अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक और था कौटिल्य। ओके, ये दो तीन नाम इनके चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। और इनकी फेमस पुस्तक कौन सी थी? तो वो थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इसका संबंध किससे है? तो वो है राजनीति से। ओके, राजनीति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्यूकस निकेटर किस स्थान का शासक था? सेल्यूकस निकेटर
कहाँ का था? मैकडोनिया, मिस्र और क्रेट, सीरिया और बेबीलोन, या ग्रीस और थेरेस? तो देखिए ये जो था ये थोड़ा सा आउट क्वेश्चन है, लेकिन हमें यहाँ से पढ़ना है इसको, हमने वीडियो में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये यहाँ से याद रखना है कि सीरिया और बेबीलोन कहाँ का, सीरिया और बेबीलोन। बेबीलोन, बेबीलोन से आप कुछ याद कर पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में ही हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, या हेमू के? तो अभी हमने पढ़ा है किसके शासन में काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। और किसका राजदूत था ये? तो ये सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था। ओके, और इनकी अभी हमने बुक कौन सी देखी, वो थी इंडिका। कौन सी थी? इंडिका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने, शुंग वंश ने, गुप्त वंश ने, या कुषाण वंश ने? जैसा कि हमने पढ़ा था कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो था घनानंद। और घनानंद को पराजित करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ओके चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको भी इतना ही मजा आ रहा होगा क्वेश्चंस का आंसर देने में जितना मुझे आ रहा है। ओके चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियाँ, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, या सामाजिक जीवन? तो देखिए जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या चाणक्य, कुछ भी कह लें, तो इनकी जो बुक है अर्थशास्त्र, उन्होंने किस पहलू पर प्रकाश डाला है? तो जैसा कि हमने अभी बताया था, ये जो है ये राजनीतिक नीतियों से संबंधित, किससे? राजनीतिक नीतियों से ये संबंधित है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कौन है वो? चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, समुद्रगुप्त है, या बिंदुसार है? तो जी हाँ बिल्कुल सही, जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। और इनको दीक्षा किसने दी थी जैन धर्म की? तो वो जैनी गुरु कौन थे? भद्रबाहु। कौन थे? भद्रबाहु। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? आइट सिंह, चंपा, पूना, या कार्नेलिया? तो जी हाँ जैसा कि हमने पढ़ा था इनके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें संधि हुई थी, उन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, क्या नाम था उनका? कार्नेलिया। कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। ओके, और चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया था? तो 500 हाथी। क्या दिए थे? 500 हाथी। ओके तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।